हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए, सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, 8 बजे के बाद मैं छत पर चली जाती हूँ और ये चाय की पत्ती है, सूख गई है, इसे मैं अब काम लूँगी। और बेटी भी आई हुई है यहाँ पर, मम्मी खाद तैयार कर रही है। चाय की पत्ती को मम्मी ने सुखा के रखा है, उसमें अब मम्मी मिट्टी मिक्स कर रही है, तो इस तरीके से ना खाद तैयार हो जाती है। और चाय की पत्ती जो है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि पौधों के लिए बहुत यूज़फुल होती है। अगर आपका पौधा ख़राब भी हो रहा है तो आप चाय की पत्ती 2 से 3 दिन उसमें डालेंगे ना, तो आपका पौधा वापस सर्वाइव कर जाता है। तो ये देखिए, मम्मी एक बॉटल में फिल कर रही है चाय की पत्ती और मिट्टी। मैंने आपको बताया था इस बोतल में खड्डे किए मैंने चारों तरफ, एक बार ज़रूर पानी निकलेगा लेकिन मैं चारों तरफ इसमें पुदीना लगा दूंगी। सब जगह मैंने इसमें खड्डे कर रखे हैं। इसमें चाय की पत्ती और मिट्टी डाली है और कुछ खाद में गोबर की भी डालूंगी। तो फिर मैं इसमें पुदीना लगा दूंगी और जब पुदीना लग के फैलेगा तभी बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ज़्यादा पुदीना इसमें लगेगा एक छोटी सी बोतल। तो इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ जिससे मिट्टी गीली हो जाएगी। और छेद मैंने किए हुए थे बोतल के, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसमें चारों तरफ छेद किए थे, नीचे भी छेद किए थे और चारों तरफ भी किए थे। अब मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ और पानी डाला है, मिट्टी डालकर पानी डाला है। और अब इसमें मैं पुदीना की जो होती है डाल, वो लगाऊंगी। मेरे पास काफ़ी पुदीना लगाया हुआ है, उसमें से मैं नीचे नीचे से उस पत्ते निकाल दूंगी, एक डाल निकालूंगी और उसके नीचे वाले पत्ते निकाल कर और हर छेद में इसे थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। तो उसके बाद ये जड़ पकड़ लेंगे मिट्टी में और फिर बहुत घने हो जाएंगे। तो ऐसे पुदीना लगाने से क्या होता है कि छोटी सी बोतल में आपके पुदीना लग जाता है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं भी है तो आप ऐसी काफ़ी बोतलें हर घरों में होती हैं उनमें आप पुदीना लगा दीजिए, आपको डेली ताज़ा पुदीना मिल जाएगा। तो चारों तरफ आप कर सकती हैं खड्डे बोतल में और नीचे भी पानी ड्रेन के लिए कर सकती हैं। और इसका आप हैंगिंग जो पॉट होता है वो भी बना सकती हैं, इसे टांग भी सकते हैं अगर आपके घर में कहीं रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसमें आप डोरी लगा के इसको आप टांग भी सकती हैं कहीं पर भी। ना लगाया ये पूरा फैल जाएगा पूरी बोतल में, ऊपर से हम पानी डालते रहेंगे और चाहे तो इसे दो डोरी लगा के और इसे टांग भी सकते हैं, कहीं भी जगह नहीं है अगर आपके घर में तो इसे टांग दें। और ये बहुत काम आता है हमें दाल सब्जी में डालने के लिए। तो ये सारा फैल जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी, 10-12 दिन में एकदम फैल जाएगा। भिंडी के बीज हैं, थोड़े बहुत पड़े हैं जैसे मौसम है इन चीज़ों का शायद, तो भी डाल रही हूँ, अगर लग गए तो ठीक है, खाली बाल्टियां पड़ी हैं मेरे पास। ज्यादा ऊंडे नहीं डाली, इनकी पौध लगाई जाती है पहले, जब इनकी पौध निकल जाएगी और 4 से 6 पत्ते आ जाएंगे तो मैं इनको दूसरे गमले में डालूंगी। पालक के बीज हैं और ये भी बाल्टी ऐसे ही पड़ी है, इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत लग जाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।